तो आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। प्लीज़ अप्रिशिएट दिस प्रेजेंटेशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड विद ऑल सिंसियरिटी टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज स्टूडेंट्स टीचर्स वॉलंटियर्स। वी वेलकम वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट एंड सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट फॉर यूजिंग एट एकेडमिक्स और एनी काइंड ऑफ एग्जाम्स टू वेरीफाई एंड क्लियर विद योर कोर्स बुक्स फॉर बिकमिंग एन एसोसिएट एंड ऑफ हैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन डिफरेंट सब्जेक्ट इंक्लूडिंग स्टोरी राइटिंग। प्लीज़ गेट इन टच विद प्रोफाइल एट पस्किनजॉय एट द रेट जी मेल डॉट कॉम। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पूरा वर्ल्ड का मैप, ठीक है। ये हमारे पास पूरा वर्ल्ड का मैप है। इस तरह से हमारे पास पूरा वर्ल्ड के अंदर अलग अलग के कॉन्टिनेंट हैं। यहाँ पे हमारे पास जैसे ये बना रशिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट बना है पूरा, ठीक है। रशिया तो पूरा एक देश ही है इतना बड़ा, ठीक है। और ये आधा किस कॉन्टिनेंट के अंदर, तो ये एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये अमेरिका हमारे पास यहाँ पर आता है। और ये हमारे पास अलग अलग कॉन्टिनेंट है हमारे पास वर्ल्ड में। आते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्टिनेंट आता है एशिया। तो एशिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है, ठीक है। जो प्राइमरी लोकेटेड कहाँ के अंदर है, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। इट शेयर्स द कॉन्टिनेंटल लैंडमास ऑफ यूरेशिया विथ कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड द कॉन्टिनेंटल लैंडमास ऑफ एफ्रो यूरेशिया विथ बोथ यूरोप एंड अफ्रीका, ठीक है। इज द ओनली कॉन्टिनेंट जॉइंट टू टू अदर्स कंट्रीज द वर्ल्ड बिगेस्ट नेशन चाइना, ठीक है। इसके अंदर सबसे बड़ा वर्ल्ड का जो बिगेस्ट नेशन है वो चाइना भी इसके अंदर ही आता है। वर्ल्ड यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेशन है वो चाइना है, ठीक है। और एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि अंदर दो से भी जुड़ा हुआ है। कंटेन्स द हाइस्ट पॉइंट ऑन अर्थ माउंट एवरेस्ट, सबसे ज़्यादा जो ऊँचा पॉइंट अर्थ के ऊपर माउंट एवरेस्ट है वो भी इसके अंदर आता है, ठीक है। ये अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर टाइगर्स मिलते हैं वाइल्ड फॉर्म में। अफ्रीका के बारे में देख लेते हैं। तो कंटेन्स द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नाइल, लॉन्गेस्ट रिवर जो नाइल है वो इसके अंदर आती है, ठीक है। लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वर्ल्ड के अंदर सहारा, वो भी इसी के अंदर आता है। कंटेन्स मोर कंट्रीज देन एनी अदर कॉन्टिनेंट, सबसे ज़्यादा कंट्रीज इसी के अंदर हैं, ठीक है। और मोस्ट वर्ल्ड में जहाँ पे गोल्ड और डायमंड मिलते हैं वो भी कॉन्टिनेंट अफ्रीका ही है। नॉर्थ अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, एंटायरली नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर आता है एंड ऑलमोस्ट ऑल विद इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और पूरी तरह से वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी वो आता है। इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका और अमेरिका। अमेरिका का नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट जो है वो इसको ही बोल सकते हैं। इन मॉडल स्टेट यूज फ्यूअर देन सेवन कॉन्टिनेंट्स। साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ लेते हैं। तो साउथ अमेरिका जो है वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जो कि क्या होता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है और मोस्टली साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी आता है। विथ रिलेटिवली स्मॉल पोर्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और थोड़ा बहुत पोर्शन इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी हमें मिलता है। इट मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड अ सब कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका, इसको सब कॉन्टिनेंट भी बोल सकते हैं अमेरिका का, ठीक है, क्योंकि साउथ अमेरिका प्लस नॉर्थ अमेरिका मिलकर ही पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पूरा अमेरिका बनता है। उसके अंदर फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी आता है, विच इज़ हाउ इट इज़ व्यूड इन स्पेनिश एंड पोर्तुगीज स्पीकिंग रीजन्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। और जो जहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है, जहाँ पे पोर्तुगीज बोली जाती है, वो रीजन्स भी साउथ अमेरिका के अंदर ही आते हैं। कंटेन्स द वर्ल्ड साउदर्न मोस्ट सिटी प्यूनटेंस एरनास, प्यूनटेंस एरनास जो सिटी है वो वर्ल्ड में सबसे साउथ में है, तो वो भी इसी कॉन्टिनेंट के अंदर है। सबसे वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है अमेजन, इसी कॉन्टिनेंट के अंदर हमें मिलता है। अंटार्कटिका के बारे में देख लेते हैं। तो अंटार्कटिका जो है वो साउथर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और साउथ पोल के अंदर ये होता है। इस वर्चुअली अनइनहेबिटेटेड आइस कवर्ड लैंडमास, और ये मोस्टली अनइनहेबिटेटेड, यहाँ पे लोग वहाँ नहीं रहते हैं, और पूरे में आइस से भरा हुआ है, ठीक है। मोस्ट क्रूजेस टू द कॉन्टिनेंट विजिट द एंटार्कटिक पेनिनसुला विच स्ट्रेचेस टुवर्ड्स साउथ अमेरिका। मोस्ट लोग जो वहाँ जाते हैं तो वो एंटार्कटिक पेनिनसुला वगैरह को ही देखने जाते हैं, ठीक है, जो कि साउथ अमेरिका के लिए जुड़ा हुआ है, साउथ अमेरिका तक जुड़ा हुआ है। इट इज़ नोन फॉर लैमिनार चैनल एंड पैराडाइज हार्बर, स्ट्राइकिंग आइसबर्ग, फ्लैंक्ड पैसेजवेज एंड पोर्ट लॉकनर, अ फॉर्मर ब्रिटिश रिसर्च स्टेशन टर्न म्यूजियम। तो ये जो प्लेस हैं
उनके लिए यहाँ फेमस है। द पेनिनसुलास आइसोलेटेड टेरेन ऑल्सो शेल्टर्स विच वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग मैनी पेंगुइन्स। और काफ़ी सारे पेंगुइन भी इसके अंदर हमें मिलते हैं। यूरोप को देख लेते हैं, तो यूरोप जो है एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि एंटायरली काफ़ी ज़्यादा नॉर्दर्न हेमिसफेयर के अंदर एंड मोस्टली आता है ईस्टर्न हेमिसफेयर के अंदर। इट कंप्राइजेस द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ यूरेशिया। अब वेस्टर्न मोस्ट पार्ट जो यूरेशिया का उसके अंदर आता है, ठीक है, एंड बॉर्डर बाय आर्टिक ओशन टू नॉर्थ, और नॉर्थ के अंदर आर्टिक ओशन की बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। द अटलांटिक ओशन टू द वेस्ट, वेस्ट में अटलांटिक ओशन से जुड़ा हुआ है। द मेडिटेरेनियन सी टू द साउथ, मेडिटेरेनियन सी से साउथ में जुड़ा हुआ है और एशिया से ईस्ट में जुड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ऑफिशियली जिसको हम यहाँ बोलते हैं एक कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया या फिर एक सार्वजनिक कंट्री है जो कि मेनलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से बनी हुई है, ठीक है, यानी कि कॉन्टिनेंट पूरा एक देश के बराबर है वाला। द आइलैंड ऑफ टेस्मानिया हैड न्यूमरस स्मॉलर आइलैंड। इट द लार्जेस्ट कंट्री इन ओशनिया एंड वर्ल्ड सिक्स लार्जेस्ट कंट्री बाय टोटल एरिया। तो वर्ल्ड की सिक्स लार्जेस्ट कंट्री बाय टोटल एरिया है, और छोटे मोटे जो कॉन्टिनेंट हैं और छोटे मोटे जो आइलैंड हैं, ठीक है, जैसे कि टस्मानिया, तो ये सब भी उसी के अंदर आते हैं। ओशंस के बारे में देख लेते हैं, तो पैसिफिक ओशन सबसे पहले पास आता है। तो जो पैसिफिक ओशन है वो लोकेटेड है साउथर्न ओशन के अंदर, ठीक है, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। ये कवर करता है अबाउट 1/3 ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है, और 28% ऑफ अर्थ सरफेस जो है वो यही कवर कर लेता है। डीपेस्ट पॉइंट इज द चैलेंजर डीप विद इन मारियन ट्रेंच नियर जापान। जापान के पास मारियन ट्रेंच में जो डीपेस्ट पॉइंट है इसका वो हमें मिलता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है। अटलांटिक ओशन में देख लेते हैं, तो इट इज़ द ग्रेटेस्ट डेप्थ इन द प्यूर्टो रिको ट्रेंच एट 8,605 मीटर पे हमें इसकी ग्रेटेस्ट डेप्थ देखने को मिलती है। कहाँ पे? प्यूर्टो रिको ट्रेंच में। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका यूरोप एंड द साउदर्न ओशन एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये कहाँ मिलता है? अफ्रीका यूरोप साउदर्न ओशन एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बीच में मिलता है। अटलांटिक मेजर मार्जिनल सीज इंक्लूड द, अब इसमें कौन कौन से मार्जिनल सीज आते हैं, और तो वो आते हैं मेडिटेरेनियन सी, द नॉर्थ सी, द बाल्टिक सी, द हडसन बे, द गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड द कैरिबियन सी। इंडियन ओशन के बारे में देखते हैं, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका एंड द साउदर्न ओशन एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये कहाँ पे है? अफ्रीका साउदर्न ओशन एशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ हमें मिलता है। इसका डीपेस्ट पॉइंट है वो कहाँ पे मिलता है? जावा ट्रेंच में एट 7,725 मीटर पे। साउदर्न ओशन के बारे में देखते हैं, तो साउदर्न ओशन जो है वर्ल्ड का न्यूएस्ट है, ठीक है, और ये फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड के अंदर। डीपेस्ट पॉइंट जो है साउदर्न ओशन का वो अननेम्ड है, बट इट इज़ इन द साउथ एंड ऑफ साउथ सैंडविच ट्रेंच। अब वो अननोन तो है, लेकिन वो कहाँ पे है? वो है साउथ सैंडविच ट्रेंच के अंदर, ठीक है, और उसकी जो डेप्थ है, ठीक है, वो कहते हैं 23,737 फीट। आर्टिक ओशन को देखते हैं, तो द आर्टिक ओशन इज स्मॉलेस्ट ओशन, मोर देन 5 times स्मॉलर देन इंडियन एंड अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन कंपेरेटिवली ये 5 times स्मॉलर है, ठीक है, और ये कहाँ का एक्सटेंड करता है? यूरोप एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका के बीच में एक्सटेंड करता है। एंड द मोस्ट ऑफ इट वाटर आर ऑफ द नॉर्थ आर्टिक सर्कल। उसका जो मोस्टली पानी वो कहाँ से आता है? नॉर्थ आर्टिक सर्कल से आता है। इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो कहाँ मिलता है? फ्रैम बेसिन में मिलता है, जो कि -15,305 फीट पे होता है। टाइम जोन के बारे में देखते हैं, तो टाइम जोन एक ऐसा रीजन होता है ऑफ ग्लोब का डेट ऑब्जर्व्स अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड टाइम फॉर लीगल कमर्शियल एंड सोशल पर्पसेस। लीगल कमर्शियल सोशल पर्पसेस के लिए जो हमें एक लीगल एक मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम का फ्रेम मानते हैं वो इसका होता है टाइम जोन होता है। टाइम जोन जो होता है वो टेंड करता है फॉलो करने की बाउंड्रीज ऑफ कंट्री को एंड देयर सब डिविजन इंस्टेड ऑफ स्ट्रिक्टली फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड बिकॉज ऑफ इट्स कन्वीनियंट फॉर एरियाज इन क्लोज कमर्शियल और कम्युनिकेशन टू कीप
द सेम टाइम। अब क्या होता है, कम्युनिकेशन वगैरह करने के लिए हर जगह टाइम एक स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब फॉलो किया जाए, तो एक पूरा टाइम जोन बनाया गया, ठीक है, कि अगर मान लिया इंडिया में 10 बज रहे हैं तो दुबई में कितने बज रहे होंगे, तो उस हिसाब से पूरा एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया, उसी हिसाब से वो कॉन्टिनेंट पर समय बांटा गया, ताकि पूरा जो कमर्शियल वगैरह या फिर अदर कम्युनिकेशन जो होते हैं वो सब आराम से हो सके। चेंजिंग टाइम कैसे होता है, तो जो अर्थ होती है वो ऑर्बिट करती है सन के अराउंड एवरी 365 डेज़ के अंदर, ठीक है, और रोटेट करती रहती है खुद की एक्सिस के ऊपर भी वंस इन एवरी 24 आवर, यानी कि ये अर्थ है, मान लीजिए सन है यहाँ पे, ठीक है, तो अर्थ जो है वो इस तरह तो रोटेट कर ही रही है, ठीक है, और क्या कर रही है, सन के अराउंड इस तरह से ऐसे रोटेट कर रही है, तो एक खुद के एक्सिस पे तो कितने करेगी 24 आवर में रोटेट करेगी, और इसके अराउंड कितने में रोटेट करेगी 365 डेज़ के अंदर। और 24 आवर्स के अंदर भी रोट करती है, उसके से दिन और रात होता है, ठीक है, और जब सन के रोट करती है तो उससे पूरा एक साल कंप्लीट होता है। क्लाइमेट और वेदर के बारे में देखते हैं, तो वेदर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है शॉर्ट टर्म कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर की, ठीक है, और जो क्लाइमेट होता है वो एवरेज डेली वेदर की जो एक पूरा एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जब हम एवरेज लेते हैं तो कोई सर्टन लोकेशन पे, उसी को क्या बोलते हैं, वहाँ क्लाइमेट बोलते हैं। अब वेदर जो चेंज होता है वो मिनट टू मिनट, आवर टू आवर, डे टू डे चेंज हो सकता है, ठीक है, सीजन टू सीजन, लेकिन क्लाइमेट जो होता है वो एवरेज वेदर कंडीशन होती हैं ओवर टाइम एंड स्पेस। माउंटेन रेंजेस देख लेते हैं वर्ल्ड के अंदर, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इथियोपियन हाईलैंड, एंडीज, हिमालयस, एटलास माउंटेंस, अल्पेस, रॉकी माउंटेंस, ये माउंटेन रेंज है। हॉटेस्ट जोन इन वर्ल्ड कौन सा है, तो 7 ईयर्स ऑफ सेटेलाइट टेम्परेचर की जो डाटा मिला, ठीक है, उसने दिखाया कि लेड डेजर्ट के अंदर ईरान में हॉटेस्ट स्पॉट है अर्थ पे, ठीक है, लेड डेजर्ट जो है वो हॉटेस्ट था ड्यूरिंग 5 of the 7 years, ठीक है, एंड हैड अ टेम्परेचर ओवरऑल 70.7 डिग्री सेल्सियस का, उसके बाद टेम्परेचर था इन 2005 के अंदर। कोल्डेस्ट रीजन इन वर्ल्ड के अंदर कौन सा है, ठीक है, इट इज़ द हाई रिज इन अंटार्कटिका का ऑन द ईस्ट अंटार्कटिक प्लेट्यू के ऊपर, अंटार्कटिका में जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो सेवरल बहुत दिन चला जाता है, यानी कि -133.6 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में, और यानी कि -92 डिग्री सेल्सियस के अंदर, और क्लियर विंटर नाइट, तो कोई क्लियर विंटर नाइट होता हो। वॉट इज़ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता क्या है, तो लैटिट्यूड जो होता है वो बेसिकली एक ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि स्पेसिफाई करते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोजिशन अर्थ के ऊपर, ठीक है। लैटिट्यूड जो होता है वो एक मतलब एक एंगल होता है जो कि रेंज करता है 0 to 90 डिग्री के बीच में साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट होते हैं जो कि स्पेसिफाई करते हैं ईस्ट वेस्ट पोजिशन को अर्थ की सरफेस पे। इक्वेटर को कैसे बताएंगे, तो इक्वेटर की इमेजिनरी लाइन होती है जो कि प्लैनेट या फिर अर्थ के मिडल से पास करती है। इट इज़ द हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एट 0 डिग्री ऑफ द लैटिट्यूड। बट अब लैटिट्यूड के 0 डिग्री पे, ठीक है, और हाफ वे होती है नॉर्थ और साउथ पोल के, तो उसी पर बोला इक्वेटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेटर बना है बीच में, मिडल से पास करे अर्थ के, ट्रॉपिक कौन सा बना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऊपर बना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, तो ये मोस्ट नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, ठीक है, ऑन द अर्थ वेयर द सन कैन अपेयर डायरेक्टली ओवरहेड, जहाँ पे सन डायरेक्टली ओवरहेड अपेयर कर सकता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, मोस्ट साउदर्न लैटिट्यूड है अर्थ के ऊपर जहाँ पे सन जो है डायरेक्टली ओवरहेड अपेयर कर सकता है। और क्या है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज करंटली पोजिशन एट अप्रॉक्सीमेटली 23 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड कौन सा, ये पढ़ा था थोड़े पहले, तो वो है एशिया। और सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड कौन सा, तो वो है अफ्रीका। व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका, तो हाईएस्ट माउंटेन कौन सा अफ्रीका के अंदर, तो वो है माउंट किलिमंजारो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट बिलोंग टू अफ्रीका, अफ्रीका में कौन सी बिलोंग नहीं करती, तो कैलोराडो जो है वो अमेरिका की रिवर है, ही बिलोंग नहीं करती। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू यूरोप, यूरोप में कौन सी रिवर बिलोंग नहीं करती, तो इसका आंसर क्या है, वो है मिसिसिपी। तो ये रिवर जो है वो बिलोंग नहीं करती यूरोप को। थैंक यू वेरी मच।